अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख्वाजा हसन जबरान, पूर्व मंत्री ख्वाजा अलीम साहब का बेटा, समाजवादी पार्टी में युवा नेता, और मैं आप सब लोगों से, पूरे देशवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से मैं इस वक्त एक ही अपील करना चाहता हूँ। ईद की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आप सबको, बहुत बहुत ईद की मुबारक हो आप सबको। और साथ ही साथ मैं एक अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस बार जितना हो सके ईद घर पे रह के बनाएं, ना ज़रूरी हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि सरकार की तरफ से छूट दी गई है आपकी ज़रूरतों को देखते हुए, आपके त्यौहार को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए आपको छूट दी गई है। लेकिन इसका हमें एहतियात खुद को रखना होगा कि हमें किसी तरीके से परेशानी हमारी वजह से किसी और को ना हो, हमें ना हो, हमारे घर वालों को कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में, जो हम सभी जानते हैं। और इस वक्त ईद के मौके पे जो अभी बाज़ार खोले गए हैं, तो उसमें जितना कम से कम हो सके आप लोग शॉपिंग करिए, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग भी बहुत लोग आए दिन राशन बांट रहे हैं, लोग खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 50 रुपये भी अगर आप लोग रखते हैं कि आप जाके बाज़ार में खर्च कर सकते हैं, तो वो बल्कि आप किसी एक गरीब को खाना खिला दीजिए, तो मेरे ख्याल से इस ईद पे ज़्यादा सवाब का काम होगा। अगर आम दिन होते तो शायद ये बात कहने की भी नहीं होती, लेकिन ये वक्त की नज़ाकत है, इसको समझिए।